हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ साक। जैसा कि आप देख रहे हैं, सांपों का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है। तभी एक भैया आए हुए हैं, ये अंगरिया के पास में पड़ता है इनका गांव। तो अंगरिया से करीब 4-5 किलोमीटर दूर होगा, जैसे अलीगंज तहसील के अंडर में ही है हमारे। तो ये भैया आए हुए हैं, तो उनके पैर में काटा है। तो अभी एक बहम दिखाते हैं जो गाँव का बहुत तेज़ी से बहम चल रहा है। ऐसे हाथ में, जब जिस टाइम सांप काटता है, लोग हाथों में मिट्टी दे देते हैं कि मिट्टी उगल लो, तो ये क्या नाम, जहर फैलेगा नहीं, और चारपाई पे ना लेटना, और जैसे कि मेढ़ को फलांगना, और जैसे चौखट को ना नांगना। काफ़ी समस्या है लोगों के सामने, गांव में इतनी लोग खड़ी कर देते हैं जब सांप काटता है। उस टाइम लोगों को इतना भयभीत कर देते हैं लोग, गाँव वाले, बहुत ही भयंकर तरीके से। तो उस टाइम घबराना नहीं है दोस्तों, उस टाइम इतना ध्यान देना है कि सबसे पहले कम से कम 3 से 4 जगह बांध लेना चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल जाम कर दीजिए आप, जैसे कि ब्लड एकदम ऊपर ना बढ़े। तो जैसे ब्लड जब जाम हो जाएगा तो आप बहुत ही सुरक्षित रहेंगे। तो उस टाइम करना क्या है दोस्तों, जो कि लाल दवा पड़ती है कुएं में, वो आपको उस जगह पर डाल देनी चाहिए। तो वो कम से कम आधा ट्रीटमेंट वो दे देती है। अगर ज़्यादा जहरीला सांप काट रहा है तो कम से कम दोस्तों, मेरे यहाँ कम से कम आज मैंने कम से कम 200 से 300 मरीज मैंने खुद ठीक किया, और मेरे पापा ने पता नहीं अनगिनत मरीज ठीक किए होंगे। मैंने अपनी उम्र पे बहुत बड़ा काम किया है, नाम कमाया है मैंने। तो बस मैं यही दोस्तों यही कहना चाहता हूँ आपको कि जितने भी हो सके, जितने भी मेरे पास के हैं यूपी में, जितने भी जैसे एटा ज़िला में, सभी को बचाता हूँ। एटा, कासगंज, मैनपुरी और ये फरुखाबाद, तो 4 जिलों मेरे बॉर्डर में पड़ता है मेरा गाँव। तो जितने भी यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही सुरक्षित हैं। तो जहाँ मैं तुरंत जैसे फ़ोन करते लोग, उस समय उनके यहाँ पहुँच जाता हूँ मैं। तो दिखाता हूँ आपको इंटरफेस, भैया आए हुए हैं हमारे पे, तो करीब 1 घंटे पहले आए हुए थे। मैं तो घर पे नहीं था, तो मैं ज़रा बाहर था, तो अभी आया हूँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको उनका। तो दोस्तों मैं इन भैया के पास आ चुका हूँ। तो भैया को अभी करीब 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे पहले काटा था भैया को। तो भैया से मुलाकात कराता हूँ। तो किस तरीके से काटा सांप ने, बताइए भैया। मैं घर के लिए यानी RCC में जैसे घर पे पैर रखा, तो मैंने जो RCC पे सांप तो मैं पैर रखा, तो वो पैर में लिपट गया। अच्छा, तो भैया आपको कहाँ पे काटा है? पैर में काटा था। अच्छा, कहाँ पे, यहाँ पे काटा ना। अच्छा, ये निशान है। तो आप भैया ठीक है अभी? हाँ बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, जो आपको मिट्टी पकड़ाई थी गांव वालों ने, उसका उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिट्टी किस लिए पकड़ाई थी आपको? मिट्टी इसलिए पकड़ाई जैसे कोई दिक्कत। चलो आप बताइए अंकल, आप बताइए, आप बताएं। मिट्टी इसलिए पकड़ाई थी, बड़े बूढ़ों ने बताया था कि इससे बंद लग जाता है हाथ में, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, आगे के लिए जहर ऊपर नहीं पहुंचता है। अच्छा, इसलिए मिट्टी पकड़ा देते हैं, और 2 जगह पैर को बांध दिया गया जी, जिससे जहर ऊपर ना पहुँचे जी। तो आपको ये मिट्टी के बंद है ना, ये बिल्कुल नहीं करना आपको। ना मिट्टी लेनी हाथ में, ना तो ये चौखट का होता है, ये झंझट लोग कहते हैं चौखट ना नागो, ये दहरी ना नागो, और ये बोलते हैं मेड़ ना नागो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन चीज़ को नहीं मानता कि लोग बोलते हैं काले कपड़े वाले ना आए। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए अंकल, जो लोग बोलते हैं काले कपड़े वाले ना आए और ये मेड़ ना नागे? अरे ये तो सब बहनबाजी है, इससे कुछ नहीं होता। बांधना मैन होता है, बांध लगा दो, ये मैन होता है। तो ये काम करना चाहिए, और लोग ये करते हैं, मिट्टी का बंद ले लेते हैं तमाम झंझटे लेके। पहले पुराने ख्यालात के बड़े बूढ़े बताते थे, तो इसलिए उसी चक्कर में मिट्टी हाथ में पकड़ा दी कि बंद लग जाते हैं, मुट्ठी बांध लो बंद लग जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ट्रीटमेंट देता हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट देता हूँ, वैसा देसी उपचार अब कुछ नहीं है। अब तो पहले का ज़माना चला गया जो कि चलता था पहले, लेकिन अब इस चीज़ को मैं नहीं मानता। तो दिखाते भैया एकदम ठीक है। तो भैया इनको टहलाने के लिए लाए हैं, तो अब भैया बिल्कुल पूर्ण तरीके से ठीक है। अभी कुछ देर में इनकी छुट्टी भी करूँगा मैं। तो भैया को थोड़ी देर के लिए चलाने के लिए, बैठे बैठे बोर हो गए तो इनको चलाने के लिए ले आया रोड पर। तो भैया टहल के आ गए हैं, देखते हैं आगे का। बने रहिए वीडियो के साथ दोस्तों। भैया अभी ठीक है, जब छुट्टी करूँगा आपको लास्ट तक वीडियो दिखाऊँगा।